आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर ऑफ वर्ड्स मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक राजा था बहुत ही बढ़िया राजा था बहुत ही प्रतापी राजा था यंग राजा पैंतीस छत्तीस की एज में उसने बहुत अपना नाम फैला दिया था सभी लोग उससे खुश थे सभी लोग उसको प्रेम करते थे सभी लोग उसके जैसा बनना चाहते थे उसका दूर दूर तक कोई शत्रु नहीं था सारे देश उसके मित्र थे एक दिन राजपुरोहित भागा भागा राजा के पास आया राजन 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 मुझे आपसे बात करनी है राजा ने कहा हाँ राजपुरोहित जी बोलिए नहीं नहीं राजन मुझे आपसे अकेले में बात करनी है और राइट चलिए अकेले में बात करते हैं राजन बुरा मत मानिएगा मेरी जान बख्श दीजिएगा लेकिन ये बात बतानी है आपको बहुत जरूरी है राजा ने कहा हाँ राजपुरोहित जी मैं आपको क्यों मारूंगा अरे आप तो इतने भले मानुस है नहीं नहीं बात ही कुछ ऐसी है अरे बताइए क्या हुआ राजन मैंने आपकी कुंडली देखी है और आपकी कुंडली के हिसाब से आप नवंबर तीस को शाम को चार बजे दो हजार बीस में मरने वाले हैं। राजा ने हंसी हंसी आई <laughs> अरे क्या बोल रहे हो महामंत्री जी महा सॉरी राजपुरोहित जी क्या बोल रहे हो आ, मैं बिल्कुल तीस पैंतीस साल का हूं मेरी लाइफ में कोई बीमारी नहीं है मेरा कोई शत्रु नहीं है मैं कैसे मरूंगा अरे कमौन सर राजन प्लीज मेरी कोई भविष्यवाणी आज से पहले झूठी नहीं गई है मैंने आपकी कुंडली देखी है और ये देखिए आपकी कुंडली में गणना दिखा रही है राजा फिर से हंसता है और इन दोनों की मीटिंग एंड हो जाती है राजा इनकी बातों को माइंड नहीं करता दिन भर अपना काम करता रहता है लेकिन आज शाम को राजा को थोड़ी देर रात को नींद नहीं आती है जहां राजा रोज रात को दस बजे सो जाता था आज रात को दो तीन बजे तक अपने बिस्तर में करवटे लेता रहा right. अगले दिन सुबह राजा लेट उठा पहली बार राजा अपनी जिंदगी में लेट उठा और उसके बाद करीब बारह एक बजे थे राजा को भूख ही नहीं लगी राजा ने कहा आज मैं लंच नहीं करूंगा कोई बात नहीं सबने ऑर्डिनरी लिया क्योंकि पहला दिन था राजा ने शाम को भी खाना सिर्फ एक चपाती या दो चपाती ही खाया जो कि पांच छह चपाती खाता था एंड अगले दिन भी उसको नींद नहीं आई तीसरे दिन तो राजा बीमार सा ने लगा चौथे पांचवे दिन तो राजा की भूख प्यास गॉड सभी लोग मातम में आ गए सभी लोग टेंशन में आ गए सभी ने कहा राजपुरोहित जी की भविष्यवाणी है कभी गलत नहीं होती एक बहुत ही वाइज मंत्री राजा के दरबार में हुआ करता था वो राजपुरोहित जी के पास एक बार गया राजपुरोहित जी मुझे आपसे बात करनी है राजपुरोहित जी ने कहा आई मंत्री जी बोलिए क्या करना है राजपुरोहित जी आपने राजा का कैलकुलेशन किया है कहीं ऐसा भी तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो गई अरे मंत्री जी मैंने दस बार चेक किया है मुझसे गलती नहीं हो सकती ये देखिए वापस से मैं आपके सामने गणना करके बताता हूँ राजा तीस नवंबर को शाम को चार बजे मरने वाला है एंड दिस इज वॉट इज हैपनिंग माई डियर फ्रेंड मंत्री की बात मंत्री को भी टेंशन होने लगी मंत्री जी भी बहुत तकलीफ में अब क्या करा जाए माय oh गॉड, 29 नवंबर का दिन आ राजा की आखिरी ले you know, करवट लेने की भी हिम्मत नहीं थी राजा बिल्कुल मरणासन स्थिति में था तीस नवंबर का दिन आया तीस नवंबर को दोपहर में दो बजे दरबार सजाया गया सारे गांव वाले सारे राज्य वाले इकट्ठे हो गए एन इधर राजा का सिंहासन एक तरफ राजपुरोहित का सिंहासन एक तरफ मक्त मुख्यमंत्री का सिंहासन एंड सभी लोग रो रहे थे तड़प रहे थे राजा के मरने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि दो बज चुके थे चार बजने ही वाले थे इतनी देर में महामंत्री को एक आईडिया आया उन्होंने बड़ी सभा में कहा एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए महामंत्री की बात जैसे ये यू नो बुलंद आवाज हुई सभी लोगों ने एकदम से यू नो अलर्ट हो गए उन्होंने कहा देखिए मुख्य यू नो राजपुरोहित जी ने घोषणा की है कि राजा 30 नवंबर को शाम को चार बजे स्वर्गवासी होने वाले हैं एम आई राइट सभी ने कहा यस राजपुरोहित जी क्या ये बात सही है राजपुरोहित जी ने कहा 100 परसेंट सही है आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है राजपुरोहित जी क्या आप एक बार फिर से राजा के जीवन की गणना कर सकते हैं राजपुरोहित को गुस्सा आता है मुख्यमंत्री जी आप मेरा अपमान कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने कितनी बार किया और यह आपके सामने परिणाम दिखाई नहीं दे रहा मेरी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के राजपुरोहित से एक रिक्वेस्ट करता है कैन यू प्लीज डू दैट कैन यू प्लीज एक बार सर और उन्होंने फिर से गणना की तीस नवंबर शाम को चार बजे राजा मरने वाला है इतना राजपुरोहित ने बोला मुख्यमंत्री ने कहा राजपुरोहित जी आप इतने विद्वान हैं आपकी तो सभी गणना सही होती है राइट right? मैं चाहता हूं कि आप पूरे राज्य के सामने एक बार एक और गणना करें बोले क्या इस बार राजपुरोहित जी आप गणना करके बताएं कि आप कितने दिन जिएंगे एन राजपुरोहित ने कहा मुझे चैलेंज करते हो ये लो मैं अभी अपना गणना करता हूं अपनी कुंडली वुंडली देख दुखा के पंद्रह मिनट के अंदर राजपुरोहित ने कहा मैं जीवंगा बारह जनवरी दो तक जैसे ही उसने बोला 12 जनवरी दो तक मुख्यमंत्री ने तलवार निकाली और उसका सर धड़ से अलग कर दिया जैसे ही उसका धड़ सर सर धड़ से अलग हुआ पूरी प्रजा को मुख्यमंत्री ने चिल्ला के बताया ये है वो राजपुरोहित झूठा राजपुरोहित जो थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मेरा जीवन दो तक चलेगा एक सेकंड छिहत्तर सेकंड ये नहीं जिया इसकी बात पे आप क्यों विश्वास कर रहे हो इतना बोलना हुआ और 10 20 पच्चीस हजार लोग जो राज मैदान में बैठे हुए थे वो सभी चिल्लाने लगे अरे वाह इसका मतलब राजपुरोहित झूठा था इसका मतलब राजपुरो झूठा था इसका मतलब राजा मरेगा नहीं और जैसे ही ये शोर शराबा होने लगा ढोल नंगाड़े बजने लगे और ये शोर शराबा राजा के कानों में जाने लगा राजा के चेहरे पे मुस्कुराहट राजा के चेहरे पे हंसी राजा ने कहा जूस लाओ जो राजा ने पांच दिन कुछ नहीं खाया वो जूस की मांग करने लगा दोस्तों थोड़ी सी देर में तो माहौल बदल गया यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी दोस्तों क्या सीखा इस स्टोरी से? से सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपको बताना चाहता हूं आपके माइंड के अंदर जो इनपुट जाएगा वो ही प्रोसेस होके आउटपुट बनेगा

इनपुट आपकी जिंदगी बन जाता है दोस्तों इनपुट के हिसाब से जिंदगी चलती है एम आर राइट हो हाउ वंडरफुल अब ये बताइए दिन भर में कितने इनपुट अपने आप को ऑर्डिनरी देते हो मेरा तो घर ठीक नहीं है मेरे पास ये नहीं है मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है अरे मैं वहां कहा जाऊं मुझे तो शर्म बहुत आती है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे मेरे पास तो पैसा कम है औरे वो देखो उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है अरे अपन है, अपन तो छोटे आदमी आदमी अरे अरे वो बड़ा आदमी आ रहा है वो कितना पैसे वाला है अरे उसकी तो बहुत पावर है आप जैसे ही बोल रहे हो वो बड़ा आदमी है उसकी बहुत पावर है आप क्या बोल रहे हो मैं छोटा आदमी हूँ आप अपने बारे में इनडायरेक्टली इनपुट दे रहे हो मैं छोटा आदमी हूं कितने लोगों को ये समझ में आ रही है दोस्तों बात, अगर ये समझ में आ रही है तो नीचे चैट विंडो पर लिख दीजिए यस आई अग्री यस आई अग्री दोस्तों दिन भर हम अपने इनपुट्स के हिसाब से हमारी जिंदगी चलती है सब कुछ इनपुट्स के हिसाब से आपने अपने आप को बोला मैं किसी से नहीं डरता है आप कहीं पे भी बिजनेस डील कर रहे हो सेल्स करने जा रहे हो और आपको डर लग गया अरे वो खरीदेगा नहीं तो क्या होगा अरे उसने मेरे को ऐसा दिया तो उसने मेरे को बिठाया नहीं तो मैं तो इंश्योरेंस एजेंट हूँ इंश्योरेंस एजेंट की ज्यादा इज्जत नहीं करते मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं बनूंगा दोस्तों पैसा कमाने के लाखों तरीके हैं लेकिन 99% लोग उन लाखों तरीकों को अपनाते नहीं है क्योंकि वो अपने माइंड में कहते हैं इंश्योरेंस मैं नहीं बेच सकता नेटवर्क मार्केटिंग मैं नहीं कर सकता सेल्स का काम मैं नहीं कर सकता ये मैं नहीं कर सकता ट्रेनर मैं नहीं बन सकता किसी के सामने बात करना मैं नहीं कर सकता मैं क्या करूंगा एक जगह बैठ के जो छोटा सा काम है जिसमें लोगों को फेस नहीं करना वो मैं कर लूंगा और उसमें बैठ के आप उम्मीद करोगे कि अरबों आएगा करोड़ों आएगा तो दोस्त सो दो सो जन्म लेगा ना तो भी नहीं आएगा इनपुट को बदलो तो आउटपुट बदलेगा सिंपल चीज है तो आज के बाद इनपुट देना है आई एम ग्रेट आई एम रॉक स्टार आज के बाद आपको वो सारे इनपुट अपने आप को देने हैं जो आप चाहते हैं कि आप चाहते हो कि पैसा आसानी से आ जाए आपके पास तो आपको क्या बोलना पड़ेगा पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मेरे पास बार बार आता है हर बार आता है सही तरीके से आता है जरूरत से बहुत ज्यादा आता है क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है मेरा हमेशा बहुत ध्यान रखता है दोस्तों इसको कहते हैं अफर्मेशन इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं अफर्मेशन वो बोलिए जो आपको चाहिए बिल्कुल वो मत बोलिए जो आपको नहीं चाहिए इसके बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकता हूं और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको अभी इसी क्षण देता हूं दोस्तों दोस्तों कल रात को मैंने अपने फेसबुक पे एंड uh, इंस्टाग्राम पे मेरे मोबाइल के स्टेटस पे सभी जगह एक स्टेटस डाला और वो स्टेटस था कि 2013 में मैंने अपना बिजनेस कोचिंग का जर्नी शुरू किया मैं ट्रेनर बना 2010 से 2013 में मैंने बिजनेस कोचिंग स्टार्ट किया बिजनेस कोचिंग का मेरा पहला बैच था जिसमें 10 आंट्रप्रोर थे मंगेश सुरवे जी एनवी केयर के डायरेक्टर अभय जोशी सर आशुतोष जोशी दीपक पाटिल जी सुनील कोंडे प्रभाकर करांडे जगदीश देशमाने बोरिस रोड्रिक्स शेखर कलस्कर एंड सिद्धेश मेहर ये दस लोग उस बैच में थे And वहां पे मैं बता रहा था एक आंतरप्रन्य को क्यों हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए पावर ऑफ माइंड की ही बात कर रहे थे एक छोटा सेशन था उसमें एंड उसमें मैंने कहा जब आप शब्द बोलते हो तो पूरा ब्रह्मांड सुनता है और कौन से शब्द को वो तथास्तु बोलेगा आपको पता नहीं है इसलिए सिर्फ वो बोलिए जो आपको चाहिए और वहां खड़े होके उस समय तो दस दस लोग मेरे वर्कशॉप में आते थे वहां खड़े होकर मैंने उन्हें बोला था मैंने कहा मैं आपसे वादा करता हूं दो में एक सिंगल वर्कशॉप ऐसी करूंगा जिसमें कम से कम बीस लोग बैठे होंगे दो में एक सिंगल वर्कशॉप ऐसी करूंगा जिसमें कम से कम बीस लोग बैठे होंगे दोस्तों जो आदमी दस लोगों की ट्रेनिंग ले रहा है पांच लोगों की ट्रेनिंग ले रहा है कभी नहीं ले रहा है उसके बीस हजार कितनी बड़ी बात हो सकती है आप भी समझ सकते हो और टू बी वेरी ऑनेस्ट इस साल के बिगिनिंग तक या पिछले साल तक मुझे यह कल्पना भी नहीं हो पा रही थी कि कैसे होगा मैं मैं डर गया था इस पूरे यू नो डेक्लेन के बाद मैंने कभी जिंदगी में वापस से ये वापसेशन दुनिया को नहीं किया लेकिन सीक्रेटली मैं काश् बीस हजार लोग तू yes, तो भी कर सकता है ऐसे बहुत सारे सोच मेरे पास आते थे मैं सिंगापुर गया दो में दो में सिंगापुर सॉरी अट्ठारह में सिंगापुर गया ये देखने के लिए हजार लोगों का इवेंट कैसे होता है बीस लोग कैसे होते हैं कैसे से एक ऑडिटोरियम में बैठे होते हैं कैसे उन लोगों को इतना बांध के रखा जा सकता है मैं 2019 में फिर से फिर से से सिंगापुर गया और मैंने दो लाख रुपए खर्च सिर्फ ऑडिटोरियम का कभी नहीं सोचा था कि वेबिनार जैसी कोई चीज आएगी और घर बैठे हम आराम से ये चीज कर सकते हैं व्हाट you know दोस्तों अभी 2020 चल रहा है कल रात को 49,000 लोगों ने इस मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप में कनेक्ट किया था पावर ऑफ वर्ड्स। कल रात को 49,000 लोगों ने कनेक्ट किया था लाइव में जिसमें से दस साढ़े दस हजार लोग कंसिस्टेंट थे और आज भी दस हजार लोग कंसिस्टेंट है एंड आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी बीस हजार से ज्यादा लोग आके चले जा चुके हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड थोड़े दिन पहले की बात है मैं किशनगढ़ आया किशनगढ़ मेरा होम टाउन है राजस्थान में मेरे फादर का तेरह फरवरी को एक्सीडेंट हो गया था दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए थे और दोनों पांव फ्रैक्चर होने के पहले की कहानी भी ऐसी है कि आ, यू you नो know, पिछले साल नवंबर में मेरे ब्रदर का फ्रैक्चर हो गया था हाथ मेरा ब्रदर आ, स्लिप होके गिर गया था वो इंडियन एयरफोर्स में है पुंछ में पोस्टेड है रात को वहां पे बर्फ बहुत होती है तो बर्फ में पान पाँव फिसला उसका और उसके हाथ पे चोट लगी एंड राइट हैंड उसका यहां से फ्रैक्चर हो गया ब्रदर यहाँ आया और यू you नो know, उसके दो तीन महीने बाद फादर का पाऊं फ्रैक्चर हुआ है दोनों पांव फ्रैक्चर हो गए दोनों पाँव फ्रैक्चर होने के बाद एक दिन मैं उनको हॉस्पिटल में बैंडेज वगैरह के लिए लेके गया था और जब मैं हॉस्पिटल में उनको लेके गया तो मेरे माइंड में एक छोटी सी चीज आई और मैंने पापा को कहा मैंने कहा पापा आपको पता है ये दोनों पाव आपके जो फ्रैक्चर हुए हैं ये किसने ऑर्डर किया बोलते मतलब मैंने कहा आप ही ने ऑर्डर किया है बोला कैसे मैंने कहा जब भाई का हाथ फ्रैक्चर हुआ था तब आप कम से कम 20-25 बार दिन में बोल देते थे ये ये तो अच्छा हुआ हाथ पे चोट लगी पाओं पे लग जाती तो मुश्किल हो जाती ये तो अच्छा हुआ हाथ पे चोट लगी पाव पे चोट लग जाती तो मुश्किल हो जाती मैंने कहा पापा वो ब्रह्मांड ने कब सुन लिया पाओं पे चोट लग जाती तो मुश्किल हो जाता और आप देखो आपका एक नहीं दोनों पाँव फ्रैक्चर हो गए दोस्तों शब्दों को तोल मोल के बोलिए एम टेलिंग यू आप और मैं यू you नो know, नहीं अभी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझेंगे परसों से तब आपको ये पूरा साइंस क्लियर होगा कि कैसे ब्रह्मांड सुनता है कैसे ब्रह्मांड आपकी हर चीज को मान लेता है लेकिन आज इस समय मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वो शब्द बोलें जो आपको चाहिए आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं चाहिए मैं राइट और आप चाहते हैं कि पैसा ज्यादा आए आपके पास तो आज के बाद बोलना शुरू कीजिए आई एम रिच कई लोग कहेंगे आई एम रिच बोलने से मैं रिच थोड़ी हो गया कोई बात नहीं मत बोलिए ये बोलिए आई एम गेटिंग रिच अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आई एम रिच तो आपको झूठ लग रहा है कोई बात नहीं ये बोलिए आई एम गेटिंग रिच अब लोग कहते हैं नहीं मैंने कहा आई एम रिच तो ये झूठ है तो मैं कहता हूं कई बार आप कहते हो मेरा लक खराब है ये भी झूठ है क्योंकि आप बहुत लकी हो यू आर सुपर डुपर लकी आपके दोनों पांव सलामत है यू आर लकी आपके दोनों हाथ सलामत है यू आर लकी इतने सालों से हर रोज आपको टेबल पे खाना मिला आप लकी है आप देख सकते हैं इस दुनिया को आप लकी हैं आप सुन सकते हैं और अच्छी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं आप लकी है आपके घर परिवार में सदस्य है आप लकी है आपके पास घर यू you नो know, छत है घर है आप लकी है आपको दो लोग जानते हैं आप लकी है आपके पास टू व्हीलर है आप लकी है आपके पास बैठने के लिए कुर्सी टेबल और खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर है आप लकी हैं आपके पास बीवी बच्चे या घर में आपके माँ बाप हैं तो आप लकी हैं दोस्तों हर चीज पे आप लकी हैं अगर आपके घर में एक रुपया भी महीने का आ रहा है तो आप उस इंसान से लकी हैं जिसके पास एक रुपया भी नहीं आ रहा तो दोस्तों why to give yourself an ordinary input जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनपुट दे सकते हैं